अगर आप होटल या रेस्टोरेंट के खाने के शौकीन हैं तो मैं आप लोगों के साथ घर पर होटल या रेस्टोरेंट के जैसा खाना बनाना शेयर करूंगी, वो भी बहुत ही कम तेल मसाले में और बहुत ही हेल्दी। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। यकीन मानिए ये इतना टेस्टी होगा। जिसको बनाने के लिए सारे टिप्स और ट्रिक आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए इस डिनर थाली को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले नान के लिए आटा लगा लेंगे। उसके लिए मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया है और इसमें 1/2 कप मैदा डाल देंगे। चाहे तो आप सिर्फ गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं। और 1 टीस्पून मैंने इसमें शुगर पाउडर डाला है, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल देंगे, 2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल, 1 कप से थोड़ा सा कम मैंने दही लिया है उसको डाल देंगे इसमें, 1/2 कप हाथ से। इसको मिलाने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक सॉफ्ट सा डो बनाकर तैयार कर लेंगे। डो तैयार हो गया है, देख सकते हैं एकदम सॉफ्ट मुलायम। इसको ढक देंगे प्लेट से और रेस्ट के लिए इसको छोड़ देंगे। शाही पनीर बनाने के लिए ये मैंने 5 प्याज लिया है, 3 टमाटर लिया है और 15-16 कली लहसुन का लिया है। सबको पहले मैंने साफ कर लिया है। अब क्या करेंगे, इसको काट लेंगे। प्याज को लंबा लंबा काटेंगे। सभी चीज़ों को मैंने काट लिया है, देख सकते हैं। मैंने एक पैन लिया है, पैन गर्म हो गया है, गैस को मैंने ऑन कर लिया है। उसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून सरसों का तेल। तेल गर्म हो गया, इसमें डाल देंगे तेज़पत्ता, 1 काली इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा 1 इंच का, 4 लौंग। इसको ना हल्का सा भून लेंगे। ये सारा चीज़ भून गए हैं, इसमें डाल देंगे लहसुन, साथ ही डाल देंगे इसमें प्याज। प्याज को हल्का सा भून लेंगे 1 मिनट, जिससे कि प्याज का कच्चापन दूर हो जाए। देख सकते हैं प्याज हमारा हल्का सा भून गया है। इसमें डाल देंगे टमाटर, इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें डाल देंगे हल्दी 1 टीस्पून, इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार, 2 टीस्पून नमक डाल रही हूँ इसमें मैं। सबको अच्छा से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने लिया है 20 से 25 काजू, उसको भी इसमें डाल देंगे। इसको मिक्स कर लेंगे इसमें। इसको लो मीडियम फ्लेम पर लीड लगाकर प्याज टमाटर को सॉफ्ट होने के लिए छोड़ देंगे। लीड हटाकर देख लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं प्याज और टमाटर एकदम सॉफ्ट हो गया है, पूरी तरह से गल चुका है। यहाँ पर क्या करेंगे, बड़ी इलायची और दालचीनी और तेज़पत्ता को निकाल लेंगे। ये प्याज टमाटर को क्या करेंगे, निकाल लेंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है, गुलाब जामुन बनाने के लिए मैंने 1 कप दूध लिया है। इसको छान कर लेंगे और दूध को गर्म कर लेंगे। मैंने यहाँ पर 2 ब्रेड लिया है, देख सकते हैं। आप चाहे तो ये साइड वाला हिस्सा इसका काट कर हटा भी सकते हैं। मैं इसमें डाल रही हूँ दूध में, इसको तोड़ तोड़ कर डालूँगी मैं। दूध गर्म है और चम्मच से इसको हल्का से मिला लेंगे दूध में। ब्रेड को गर्म दूध में ब्रेड डालने के बाद ब्रेड सॉफ्ट हो जाता है अच्छी तरह से। और ये सॉफ्ट हो गया है, इसको दूध में पका लेंगे। ब्रेड को चम्मच से मैश कर देंगे, जिससे कि इसमें कोई गुठलियाँ ना रहे। अच्छे से पका लेंगे इसको और ड्राई कर लेंगे। इसको एक डो के फॉर्म में ले आएंगे। देख सकते हैं ब्रेड सॉफ्ट हो गया है और ये बहुत ही अच्छा से दूध में मिक्स हो गया है। तो ये मिश्रण बनकर तैयार हो गया है। एक सॉसपैन लिया है मैंने, उसमें 1 कप पानी डाल देंगे चाशनी बनाने के लिए। इसमें डाल देंगे चीनी 1/2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा।
और चीनी को मेल्ट होने के लिए छोड़ देंगे मीडियम फ्लेम पर। देख सकते हैं चीनी मेल्ट हो गया है, चाशनी अच्छे से उबल गया है। हमको दो तार या एक तार की चाशनी नहीं चाहिए, बस ये हल्का सा चिपचिपी हो जाए बस उतना ही पकाना है। चाशनी को उंगली पर लेकर चेक कर लेंगे तो ये हल्का सा चिपचिपा हो गया है, इसको अब नहीं जलाएंगे। चाशनी बनकर रेडी है। प्याज टमाटर ये सारा ठंडा हो गया है, इसको एक ग्राइंडिंग जार में डाल दिया है मैंने। इसमें डाल देंगे आधा कप से थोड़ा सा कम पानी, जिससे कि ये स्मूथली पीस सके इसमें, और इसका एक फाइन सा पेस्ट बनाना है पीस कर। देख सकते हैं ये पेस्ट कितना स्मूथ पीस के तैयार हुआ है, और शाही पनीर के ग्रेवी में कोई टुकड़ा नहीं रहना चाहिए किसी इंग्रेडिएंट का। कोई टुकड़ा रह जाता है तो आप उसको छन्नी से छान लें। एक पैन लिया है मैंने, उसमें डाल देंगे 2 टेबल स्पून घी। आप घी के जगह पर बटर भी ले सकते हैं, बटर में भी बहुत अच्छा बनता है शाही पनीर। घी गरम हो गया है, इसमें डाल देंगे 1/2 टी स्पून रेगुलर मिर्च का पाउडर, 1 टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टी स्पून हल्दी। सबको मिक्स कर लेंगे अच्छा से, और आँच को पूरा धीमी रखेंगे जिससे कि मसाला जले ना। इसमें डाल देंगे वो पेस्ट जो मैंने पीस कर बनाया था, और इसको मसाले में मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अभी मीडियम फ्लेम पर मसाले को फ्राई करेंगे। पहले इसको अच्छा से मिक्स कर लेते हैं मसाला में। इसमें डाल देंगे 1/2 टी स्पून जीरा का पाउडर, और इसको मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद इसको 2 से 3 मिनट मसाला को भून लेंगे। देख सकते हैं मसाला का कलर भी चेंज हो गया है हल्का सा। तो जार में जो मसाला लगा हुआ था उसमें आधा कप से थोड़ा सा कम पानी डालकर इसमें डाल देंगे। तो मैंने डाल दिया है, अब मिक्स कर लेंगे इसको अच्छे से। अब इसको लीड लगाकर 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे। 2 से 3 मिनट हो गए हैं, ढक्कन को हटाकर देख लेंगे तो देख सकते हैं मसाला का टेक्सचर कितना टेस्टी लग रहा है, और मसाला से बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। तो अभी मसाला फ्राई नहीं हुआ है अच्छे से, जब तक इससे ऑयल तो मैंने डाला नहीं है, घी सेपरेट नहीं हो जाता, तब तक इसको फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पर। देख सकते हैं मसाला फ्राई हो गया है, और इससे घी अलग होने लगा है, और बबल्स भी आ रहे हैं देख सकते हैं। इसमें 1.5 कप पानी डाल देंगे अब ग्रेवी के लिए। आप अपने हिसाब से पानी डाल सकते हैं, वैसे तो शाही पनीर का ग्रेवी गाढ़ा होता है। पानी को अच्छे से मिला लेंगे अब मसाले में। मैंने 250 ग्राम पनीर लिया है, मैं इसको क्यूब्स में काट रही हूँ। आपको जिस शेप में काटने का मन हो उस शेप में आप काट सकते हैं। देख सकते हैं ग्रेवी उबल गया है, तो इसमें डाल देंगे अब पनीर को। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ग्रेवी में। इसमें 1/2 टी स्पून शुगर पाउडर डाल देंगे जो टेस्ट को इन्हेंस करेगा। मैंने ये घर की ताज़ी मलाई लिया है 1 चम्मच भर के, चाहे तो आप क्रीम भी डाल सकते हैं। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छा से ग्रेवी में। इसमें 1 टी स्पून कसूरी मेथी डाल देंगे, 1/2 टी स्पून गरम मसाला डाल देंगे। 5 मिनट इसको ढककर पकाएंगे लो फ्लेम पर, जिससे कि पनीर में अच्छे से ग्रेवी एब्जॉर्ब हो जाए। तब इसको ढक्कन हटा के देख लेते हैं। 5 मिनट हो गए हैं, और देख सकते हैं कितना टेस्टी लग रहा है। तो इस पर थोड़ा सा हरा धनिया डालकर इसको मिला लेंगे, और शाही पनीर हमारा बनकर रेडी है देख सकते हैं। दूध में ब्रेड डालकर वो जो मैंने मिश्रण तैयार किया था गुलाब जामुन के लिए, वो ठंडा हो गया है।
यहाँ पर मैंने 2 पैकेट मिल्क पाउडर लिया है एवरीडे का 10 वाला, वो 2 पैकेट इसमें डाल देंगे। 2 पैकेट में करीब 4 टेबल स्पून मिल्क पाउडर होगा। दूसरा पैकेट भी इसमें डाल देते हैं। इसको अच्छा से हाथ से मिला लेंगे इसमें मिल्क पाउडर को। इसमें 1/2 टेबल स्पून घी डाल देंगे। इसमें 2 चम्मच मैदा डाल देंगे। मैदा से अच्छा बाइंडिंग आएगा इसमें, और सबको अच्छा से मिला लेंगे मैदा को इसमें। मैंने इसमें सब कुछ मिला लिया है, तो ये मिश्रण बनकर तैयार है। हाथ पे थोड़ा सा घी लेकर लगा लेंगे तो बनाने में अच्छा रहेगा, चिपकेगा नहीं। छोटा छोटा पेड़ा लेकर हाथ पर इसको बना लेंगे गुलाब जामुन के शेप में। आप चाहें तो इसको गोल भी बना सकते हैं, मैंने लंबा बनाया है। तो देख सकते हैं इसी तरह से सारा बना लेंगे। मैंने सारा बना लिया है, देख सकते हैं। एक कढ़ाई में मैंने घी लिया है और घी को गरम कर लेंगे। घी को मीडियम गरम करेंगे। थोड़ा सा ये मिश्रण डालकर देख लेते हैं गरम हुआ है कि नहीं। तो देख सकते हैं ये गरम हो गया है। तो अब इसमें सारा गुलाब जामुन डाल देंगे। सारा नहीं, मतलब जितना इसमें लगेगा उतना डाल देंगे। हल्का हल्का नीचे से ये फ्राई हो गया है, इसको पलट लेते हैं और इसको मीडियम लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे। देख सकते हैं ये फ्राई हो गया है, इसका कलर रेड कलर आ गया है। और इसको फ्राई करने में 6 से 7 मिनट लगा है। अब इसको निकाल लेंगे और चाशनी में डाल देंगे। चाशनी को हल्का सा गुनगुना रखेंगे, गरम, ज़्यादा गरम में नहीं डालेंगे। चाशनी गरम है हल्का सा। दूसरा बैच भी मैंने डाल दिया है, देख सकते हैं। तो देख सकते हैं ये भी रेडी है, इसको भी निकाल लेंगे और इसको चाशनी में डाल देंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं नान का आटा फूल गया है। इसको लगभग 2 घंटे हो गए हैं। इसको हाथ से मल लेंगे, अच्छा से सॉफ्ट कर लेंगे इसको, जिससे कि अच्छा नान बने हमारा सॉफ्ट सॉफ्ट। इतना बड़ा बड़ा लोई लेकर एक कटोरी के जैसा शेप बना लेंगे। आप किसी चीज़ को जिस तरह से स्टफ़ करते हैं उसी तरह से इसमें घी डालकर स्टफ़ कर देंगे और इसको इस तरह से लॉक कर देंगे। इसको गोल गोल बेल लेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं बेलना है, छोटा छोटा ही मैं बना रही हूँ। आपको अगर बड़ा बनाना है तो बड़ा भी बना सकते हैं। इस पर थोड़ा सा कलौंजी डाला है मैंने और थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और इसको बेल लेंगे। इसी तरह से सबको बना लेंगे। एक तवा लिया है मैंने, उसको मीडियम गरम कर लिया है। ज़्यादा गरम नहीं करना है पहले, नहीं तो अंदर से जल जाएगा वो। एक साइड से हो गया है ये, इसको पलट देंगे। इसको मीडियम फ्लेम पर ही सेकेंगे। इस पर घी डाल देंगे, दोनों तरफ से घी डालकर अलट पलट कर इसको सेक लेंगे। देख सकते हैं हमारा नान फूल गया है और कितना अच्छा नान बनकर तैयार हुआ है। इसको निकाल लेंगे तो देख सकते हैं ये कितना सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। सारा खाना बनकर तैयार हो गया है, अब प्लेट लगा लेते हैं। तो ये शाही पनीर इसमें डाल देंगे प्लेट में। मैं ज़्यादा ज़्यादा करके डाल रही हूँ। इसमें डाल देंगे नान। हमारा कितना यमी थाली बनकर तैयार हुआ है देख सकते हैं। एक गुलाब जामुन को मैं तोड़कर दिखा रही हूँ, ये कितना सॉफ्ट गुलाब जामुन बनकर तैयार हुआ है देख सकते हैं।
और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हुआ है ये, तो आप लोग भी इसी तरह से बनाइए और खाइए। तो कैसी लगी ये डिनर थाली आप लोग बताइएगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों के लाइक शेयर से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।